तो बैठे जा रहे सीधा, पहले पूछ तो लो मैं कहाँ जा रहा। मैं बल्लूपुर नहीं जा रहा, मैं यहाँ से नीचे जा रहा। आप सीधा बैठे जा रहे, पहले पूछ तो लो। आप जबरदस्ती घुस रहा। अबे पहले पूछ तो ले कि भाई जा कहाँ रहे, जा मेरे को पूछने तो दे कि जाना है, कहाँ जाना है। सीधा चढ़ रहा गाड़ी में, मतलब आज तीन अलग मिले मेरे को, तीन तीन अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले। सूरी जा रही ना, हाँ तो भाई बैठ जा फिर यार, कोई दिक्कत नहीं यार, गप सप मारते हुए चलेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, अपने घर पे सब ठीक होंगे। तो बाकी फिर आज व्लॉग में ना कोई एक्सप्लोर है ना कोई ट्रैवल है आज, क्योंकि जो याद होगा मतलब मैंने बोला था बीच में कि लोकेशन प्रैंक वाला कुछ ऐसी वीडियो बनाएंगे, तो अभी मतलब कि मैं वही वाली वीडियो बनाने आया हूं। और अभी देखो मतलब सुबह सुबह, अब मेरा मतलब मेन टारगेट तो ये है कि मेरे को सुबह लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी पहले मेरे को ये भी देखना है। और अगर लोग मिलेंगे तो मेरे को एक से एक मिलने चाहिए, तब तो मज़ा भी आ जाए। वैसे तो ये वाला व्लॉग शाम को शुरू होना था, पर शाम को कहीं मेरे को जाना अगर पड़ सकता है, तो मैं अगर कहीं चला गया तो फिर ये वाला व्लॉग छूट जाएगा ना। बस तो अपना शुरू करते हैं लोकेशन प्रैंक का, तो देखते हैं अभी पहला शिकार कौन मिलता है हमें, इसको पूछते हैं। भैया ये दिलाराम चौक कहाँ होगा? दिलाराम चौक तो आगे जाओ सीधे, सीधे पूरा सीधा जाना है यहाँ से। हाँ 1.5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। दिलाराम चौक इसने कहाँ बता दिया मेरे को, 1.5 किलोमीटर आगे। पर इसने सही बताया, ऐसा नहीं है कि गलत बताया इसने। तो पहला जो मेरा मतलब शिकार था वो तो ज़्यादा ही आसान था वैसे भी, और इसी रोड में मेरे को सीधा जाना था। तो अभी ना बीच बीच में कुछ डिफरेंट डिफरेंट, अब मैं किससे पूछूँ यार, यहाँ पे रोड पे एक बंदा तक नहीं दिख रहा मेरे को, एक बंदा तक वो दिख गया। इससे पूछते हैं भाई, मसूरी कौन सा रोड जा रहा है इनमें से? सीधा जाना है, कहाँ तक? पैसिफिक। कहाँ पे है? नहीं वो मसूरी जा रही ना, हाँ तो भाई बैठ जा फिर यार, कोई दिक्कत नहीं यार, गप सप मारते हुए चलेंगे यार, फिर मेरा भी टाइम नहीं कट रहा था। है अच्छा, तो कैब हो जाएगी, वो तो कैब वाला ले लेता है। ये पैसिफिक लिखा था, पैसिफिक। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, चलो ठीक है फिर। ठीक है, पर ये है देखो यार, इस बंदे को मैंने लिफ्ट दी ना, तो इस बंदे ने रास्ता पूरा ढंग से समझाया। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आगे चले जाओ, आगे से सीधा जाना, इस बंदे ने पूरा रास्ता बताया। चलो बंदा खतरनाक था ये, पर फिर भी कह रहा पैसिफिक ना यही है बगल में ही, नहीं मुझे नहीं पता। तो देखो डाइवर्जन तो आ गया जो उसने बोला था, पर मेरे को यहाँ तक जाना ही नहीं। अरे भैया कहाँ पर आ रहा है, रॉन्ग टैंक अभी पलट गया था, मैं उधर देख रहा था सामने से, पता नहीं कहाँ से आगे। सुबह ना थोड़ी यही दिक्कत है कि ना जल्दी से लोग मिलते नहीं। देखो अभी ना पूरी रोड खाली पड़ी हुई, कोई मिल ही नहीं रहा मेरे को, तो अभी बस वही है कि थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि कब कौन कहाँ से मिल जाए। ये तो अंकल आंटी बैठे हुए हैं, इनसे नहीं पूछेंगे यार, कहीं ये भड़क गए मेरे पे तब, यार कोई मिले या ना मिले। रेड लाइट तो ज़रूर मिलती है यार, रुक जाओ भाई, चलान नहीं कटवाना खम्भा का। रेड लाइट है ना ये, हाँ रेड लाइट ही तो है। मुझे लग रहा है जो है ये लोकेशन प्रैंक करना पड़ेगा ना, ये मेरे को शाम के टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस टाइम तो ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं रहे यार। अंकल को पूछूँ क्या? अंकल को क्या पता यार, फिर वो हैं करेंगे। हाँ भाई जी, ये बिंदाल का होगा, बिंदाल पुल नहीं पता, बिंदाल इधर लोकल नहीं हो आप लोग? हाँ मैं तो लोकल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं पता कर लो, आके पूछ ले तो। भाई ये बिंदाल पुल का है? पता नहीं आपको भी? अरे यार अंकल बिंदाल पुल का रोम रोम भाइयों होगा, बिंदाल तो सीधा है।
अच्छा ठीक है ठीक है। अंकल की टसनबाजी देखी, टसनबाजी कहाँ जाना है। उन दोनों के मुंह पे तो मैंने कैमरा सीधा घुसा दिया, उन दोनों की नज़र सीधा कैमरा पे गई, ये क्या कर रहा है यार। कह रहा है हमें भी नहीं पता, पता है यार, पर अंकल का स्टाइल बढ़िया था, कहाँ जाना है। बोला भी मैंने अंकल बिंदाल कहाँ जाना है, टसनबाजी अंकल की टसन, अंकल ऑन फायर थे भी। अरे जाना कहाँ है बता तो दो, बैठे जा रहे सीधा, पहले पूछ तो लो मैं कहाँ जा रहा। मैं बल्लूपुर नहीं जा रहा, मैं यहाँ से नीचे जा रहा, आप सीधा बैठे जा रहे, पहले पूछ तो लो आप। अजीब ही आदमी था यार ये, क्या तो जांच में था, सीधा चढ़ रहा, ऐसे लोगों में बिठाता भी नहीं गाड़ी में, पहले पूछ तो ले जाना कहाँ है। मैं इसको पूछ रहा था, मैंने कहा कि लोकेशन पूछ रहा था, ये घुस गया सीधा। मैं अंकल ऐसे में खुंदक बहुत आती है, चाहे मैं फिर तब कोई भी ले लो, ज़बरदस्ती घुस रहा। अबे पहले पूछ तो ले कि भाई जा कहाँ रहे, या मेरे को पूछने तो दे कि जाना कहाँ जाना है, सीधा चढ़ रहा गाड़ी में। मैं ना पहले ही कह रहा था कि आज ना मतलब कि कुछ नमूने मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, उनमें से एक नमूना यही था कि मतलब देखो अभी मैं बल्लूपुरी जा रहा हूँ ठीक है, तो मैं इसे ना बिठा लेता या तो छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं। पर इसने क्या करा, एकदम आया, वो क्रैश हो गया था अभी, मोड़ में ही दिक्कत है, गाली बगलो एक दूसरे को, हिंदुस्तानी की यही पहचानी है, पहचान है। मतलब मैं ये बता रहा था कि अगर मैं यहीं जा रहा था ठीक है, अगर मैं उसने छोड़ देता, अब उसने क्या करा, वैसे ना मेरे आज ना शोल्डर पे पेन हो रहा, बहुत गंदा पेन हो रहा राइट वाले में, तो इस वजह से ना गाड़ी ढंग से चला भी नहीं पा रहा, मैं हल्के हल्के चला रहा। अब उसने क्या करा, आया भागते हुए सीधा कूद गया और एकदम हाथ ना मेरा दब गया, तब चिल्लाया मैं उस पर। क्या यार ये देखो भाई, बिना हेलमेट के इनके नंबर प्लेट भी नोट कर लिए, इनका चलान कट जाए, हे भगवान। अभी के अभी है पीला हो रहा, पीला ये मारते रहेगा और जाना तो मेरे को भी जा रहा है, पर लाइट नहीं खुल रही। आज और कुछ तो नहीं, लाइटों में रुकना पड़ रहा बार बार। हाँ भाई जी, घंटाघर कितनी दूर है यहाँ से, घंटाघर घंटाघर 2 किलोमीटर सीधा है ना यहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे बोला क्या इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आया, बस मेरे को 2 किलोमीटर समझ आया, उसके बाद का मेरे को कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। भैया ये सहारनपुर चौक का होगा, सोया नहीं सुबह, मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने। इधर नीचे की तरफ फिर वहाँ पे है ठीक है, कितना दूर होगा यहाँ से, कितना दूर होगा, दो ढाई किलोमीटर रास्ता। देखा क्या बताया उन लोगों ने कि यहाँ से राइट पे चले जाना और आ जाएगा, मैंने कितना दूर है वहाँ से कि 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अबे रास्ता तो ढंग से बताते, वो अपना सामान रगड़ने में लगे, वो कह रहे यहाँ से इधर चले जाना। अबे यार देखो ऐसे ऐसे गलत बताते, यही तो ढूंढ रहा था मैं, गलत कौन बताता है और सही कौन बताता है। सीधा बोलता तो बात भी थी कि चल ठीक है, सीधा सीधा जाके 1-2 किलोमीटर जाना है, कह रहा यहाँ से नीचे जाना राइट पे, वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। वाह, तो बहुत सारे लोग ना गलत रास्ता बता देते हैं और कहीं और भेज देते हैं, जैसे उन दोनों भाई साहब ने करा, कह रहे वहाँ से राइट जाके 2-3 किलोमीटर आगे। मतलब आज 3 अलग मिले मेरे को, 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले। और जाओ रॉन्ग साइड। थार खड़ी तेरे घर दे बाहर, चलान कट रहे भाई, कहाँ जा रहा उल्टा है।
बाकी देखो फिर जो मतलब कि आज का जो अपना व्लॉग का टारगेट था मतलब कि प्रैंक लोकेशन था और मतलब कि कमाल कमाल की मतलब कि रिएक्शन देखने को मिलते हैं जब हम लोकेशन का पूछते, तो उसमें से मतलब मेरे को आज मतलब कि 3 कैरेक्टर ऐसे मिले जो कि पहला कैरेक्टर था जिसने मतलब कि जिसको मैंने लिफ्ट भी दी थी और जिसने मतलब कि मेरे को पूरा आगे तक बताया था कि मतलब उस बंदे ने क्या करा, मतलब पूरा रूट एकदम क्लियर बताया जो कि आप लोगों ने सुन लिया होगा। और जो दूसरा कैरेक्टर मिला, दूसरा कैरेक्टर इतना खतरनाक मिला जो मतलब कि एकदम कूद के चढ़ गया गाड़ी में और मेरे वैसे ही शोल्डर में दर्द हो रहा था, शोल्डर एकदम यूं हुआ, तब मैंने ना एकदम गुस्सा सा आ गया था खुंदक से, तब मैंने ना उसको ना लिफ्ट दी, ऊपर से मैंने उसको वहाँ झाड़ भी दिया, तो कह रहा ठीक है चला गया। और जो तीसरा कैरेक्टर था, तीसरा कैरेक्टर मेरे को वो दो बंदे मिले थे जो अपना बारूद रगड़ रहे थे, तो फिर उन लोगों ने मतलब कि मेरे को क्या बोला, गलत रास्ता बता दिया। ठीक है, 3 कैरेक्टर में ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा बंदे ने मेरे को गलत रास्ता बताया, बोला कि लेफ्ट आगे से राइट चल जाओ और राइट जाके ना 2 किलोमीटर बाद जाके आपको वो जगह मिल जाएगी। अब सहारनपुर चौक कहाँ था जहाँ मैं उस टाइम कहाँ था, मैं परेड ग्राउंड के पास, और ठीक है, और परेड ग्राउंड से ये सहारनपुर चौक कहाँ पे है 2 किलोमीटर तो है नहीं मेरे, जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, तो फिर उसने गलत रास्ता बताया कि राइट जाके 2 किलोमीटर है बस आ जाएगा, तो उसने गलत रास्ता बताया। तो बाकी देखो सुबह के टाइम इतने मतलब कि लोग देखो सुबह के टाइम पता नहीं कहाँ थे आज, और वैसे बात संडे था और मैं इस टाइम निकल गया था, पर संडे के दिन ना देखो सब आराम से उठते हैं। तो बाकी फिर ये जो अपना लोकेशन प्रैंक का है ना पार्ट 2 इसका जो आएगा वो शाम को आएगा अगली बार। तो बाकी फिर आज के व्लॉग में इतना ही था, तो आप लोग बताना कि आज वाले व्लॉग में आप लोगों को कितना मजा आया और जिसको मैंने झाड़ा था उसको उस वाला सीन देख के मजा आया कि नहीं आया। तो बाकी फिर आज के व्लॉग में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक रिकमेंड करना, जितने भी जन में नहीं लोग तो हिट सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग पे, तब तक गुड बाय, जय हिंद।